मैनपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली कि बिछिया रोड पर दो लुटेरे किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना पाकर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए लुटेरों को बिछिया रोड माल गोदाम के पीछे घेर लिया। वहीं पुलिस से खुद को घेरता देख लुटेरों ने टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ओर से हुई फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई तो वहीं मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। मौके पर पहुंचे एसपी अशोक कुमार राय ने बताया कि पकड़े गए लुटेरे पर करीब 30 से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। लुटेरे पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। ये अनुज हिस्ट्री सीटर है जो कि करहल थाने का है और पिछले काफ़ी समय से ये वांटेड चल रहा था। 25,000 रुपये का इस पर रिवार्ड भी घोषित था। इसका हम लोग लोकेशन भी ट्रेस कर रहे थे काफ़ी दिन से। आज अर्ली इन द मॉर्निंग अपने एक साथी के साथ ये कुछ वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ पर आया हुआ था और हमारी स्वाट टीम जो कि कई दिन से इसका पीछा कर रही थी उसी क्रम में मुठभेड़ हुई है। इसके पास से 315 बोर का एक तमंचा प्राप्त हुआ है और मुठभेड़ के बाद इसको गोली पैर में लगी है। हमारे आरक्षी को भी हल्का सा एक फायर शॉट इंजरीज हैं। एक बदमाश भागा हुआ, उसके लिए टीम हमारी तलाश कर रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।